आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप घर पर छोटी मछली को आसानी से बना सकते हैं। मछली को बनाने से पहले दोस्तों ये जरूरी है कि हम मछली को अच्छे से साफ कर ले। तो अगर आपको नहीं पता है कि इस छोटी मछली को किस तरीके से धोया जाता है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो पहले से बना रखा है। छोटी मछली को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमने अदरक लहसुन और यहाँ पे हल्दी, सूखी मिर्ची, सरसों और जीरा, इन सभी चीज़ों को लेकर के हम अच्छे से पीस लेंगे। आपके पास मिक्सर है तो आप मिक्सर में अच्छे से उसको ग्राइंड कर सकते हैं और इसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका पेस्ट बना लिया है। तड़के के लिए दोस्तों हम यहाँ पे सूखी मिर्ची, सरसों, जीरा और मेथी ले रहे हैं। हमने जो मछली पहले से ही धो रखा है इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर दोस्तों आपको गरम मसाला भी ले लेना है और अगर आपने हल्दी नहीं पीसा है तो आप हल्दी का पाउडर जो है वो मिक्स कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मिक्स कर रखा है ताकि इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा जब ये बनेगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ले लेंगे और नमक को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। छोटी मछली को बनाने से पहले दोस्तों इसको बहुत अच्छे से साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मछली में से स्मेल आ रहा है जो आप बना रहे हैं छोटी मछली, तो आप बनाने से पहले उसके अंदर नींबू डाल सकते हैं और नींबू डालने के बाद उसको लगभग 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। मसालों को मछली के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद दोस्तों हम कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख देंगे। जब सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम सूखी मिर्च, मेथी, सरसों के दाने और जीरा इन सबको डाल करके अच्छे से चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटकने लग जाएगा इसके बाद जो मछली है वो हम अच्छे से मिक्स करके फैला देंगे। मछली को बनाते वक्त कभी भी करछुल का इस्तेमाल ना करें, हो सके तो आप दोनों तरफ से किसी कपड़े से पकड़ करके इसको पलट सकते हैं। करछुल की जगह आप चाहे तो पलटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस बर्तन में हमने मसाला रखा था उस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल करके हमने मछली में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। पानी जो है वो छोटी मछली में ज़्यादा नहीं डालते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डालना है। अगर आपके पास लाल मिर्च का अचार हो तो आप लाल मिर्च का अचार जो है वो इस वक्त डाल सकते हैं। इससे जो मछली है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप बड़ी मछली बना रहे हैं या छोटी मछली बना रहे हैं तो इस अचार का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने थोड़ा सा पानी जो डाला था मछली के अंदर वो पूरा अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है और मछली जो है वो हमारी लगभग तैयार हो चुकी है।
मछली बनाते वक्त गैस का जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, सिर्फ जब आप स्टार्टिंग में इसको बना रहे हैं, जब आप तेल गर्म कर रहे हैं उस वक्त तेल जो है बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन मछली डालने के बाद गैस को हमेशा मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं। मछली को हमेशा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएं, बहुत हाई फ्लेम पर मछली कभी भी ना बनाएं। तो दोस्तों मछली जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसे राइस के साथ या चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें ये पता चलता है कि आप हमारी जो रेसिपीज़ हैं उनको लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके सामने लेकर के आने का। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया दोस्तों।